जो लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो विकास लोगों को दिख रहा है, उसके आधार पर हम 400 पार का नारा दिया है हमारे माननीय मोदी जी। जो पहले कमाइयाँ होती थी हमें, वो नहीं हो रही हैं, परेशानी है, विकास कहाँ से विकास हो? क्या काम ने मोदी मोदी के अलावा किसी ने आज तक फ्री खाने को दिया बांटा? कांग्रेस सरकार में और इस सरकार में सबसे पहले तो जो धांधलेबाजी होती थी, अधिकारी नहीं सुनते थे, रिश्वतखोरी होती थी, उस पर बहुत पाबंदी लगी। पर रही बात मोदी के काम की, काम तो मोदी ने जो किया वो किसी भी पार्टी ने किया नहीं किया। साल 2024 यानी लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है और हर पार्टी के कार्यकर्ता अपनी अपनी तरह से मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ गाजियाबाद में जब गुजर रहा था तो अचानक इस पार्क में नज़र पड़ती है और स्थानीय लोग जो हैं चुनावी चर्चा ही कर रहे थे, तो हमें लगा कि इनसे भी हमें बात ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि साल 2019 में नेताओं ने जो भाषण दिया था, जो वादा किया था, क्या साल 2024 आते आते उन चुनावी वादे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं? ऐसी कौन सी मुद्दे हैं जो नेता जी इनके दर पे जाएंगे? और एक सवाल ये भी है कि अब की बार 400 के पार, तो ये 400 के पार कैसे जो है भाजपा जो है इसको दावा कर रही? कुछ स्थानीय लोग हैं और आपको बता दें कि स्थानीय लोग में से कुछ ऐसे भी जनप्रतिनिधि हमारे बीच आ गए हैं जो कि यहाँ के लोकल पार्षद, यानी मनोज पाल इनका नाम है, यहाँ के पार्षद भी हैं। तो पहले हम पार्षद साहब से ही पूछ लेते हैं कि 400 पार, पार्षद की बात हम इसलिए आपको कर रहे हैं कि किसी भी चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो पन्ना जो अध्यक्ष होते हैं और जो पार्षद होते हैं वो एक रीढ़ की तरह काम करते हैं, आम जनता के बीच वो जाते हैं और जो चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं या जिनको टिकट मिलता है उनके बारे में वो बताते हैं। तो सबसे पहले मनोज पाल जी, आपका न्यूज़ 24 पे स्वागत है। सवाल हमारा ये है कि कई जगह मैंने बैनर पोस्टर देखा आपकी बार 400 पार, कैसे दावा आप कर रहे हैं? देखिए माननीय मोदी जी के जो नेतृत्व में भारत जो इतना आगे बढ़ा है और जो लोगों को जो सुविधाएँ मिल रही हैं, जो विकास लोगों को दिख रहा है, उस आधार पे हम 400 पार का नारा दिया है हमारे माननीय मोदी जी ने। विकास तो दिख ही रहा है, कांग्रेस के तमाम नेता आपके पास ज्वाइन कर रहे हैं और वंशवाद की भी बात होती है, परिवारवाद की भी बात होती है, तो इसको कैसे विकास कहेंगे? अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है कि हाँ ये भ्रष्ट है, फिर वो नेता, लोगों का कहना, मेरा नहीं कहना, लोग ये कहते हैं ठीक है भाजपा के डिटर्जेंट पाउडर में तुम डुबकी लगा लो बिल्कुल साफ हो जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो नेता जो आ रहे हैं, जो कांग्रेस से जो छोड़ कर आ रहे हैं, ठीक है, ये तो भारतीय जनता पार्टी को पारिवारिक पार्टी का दावा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं जी, जब सारे विपक्षी दौड़ दौड़ के हमारे चले आ रहे हैं, हम अपने कुनबे में उन्हें ले रहे हैं और उसी माध्यम से, और मेन तो विकास है ना, लोगों को जो विकास मैं जैसा मैंने बताया कि यहाँ के स्थानीय पार्षद है और यहाँ एक पार्क है। अपने कैमरा पर्सन संजय राहुल को बोलूंगा एक बार ये जरूर इस पार्क का नज़ारा दिखाएं, शायद मुझे भी गंदगी दिख रही है, हालांकि कुछ महिलाएं यहाँ पर सफाई जरूर कर रही हैं और सफाई जरूर है, लेकिन आप देखिएगा हरियाली भी बड़ा कम ही आपको दिखने को मिलेगा। स्थानीय लोग हैं, उनसे ही हम बात कर लेते हैं। इस बार नेताजी आपके पास आएंगे तो 2019 का जो भाषण था या चुनावी वायदा था 2024 आ गया है, क्या वो आपको लगा कि पूरा हुआ है? नहीं, पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, महंगाई इस कदर है। क्या काम करते हैं? मेरा इलेक्ट्रिकल का काम है। अच्छा, हाँ। तो क्या काम होता है? मोटर रिपेयरिंग का काम होता है, इलेक्ट्रिकल काम होता है। अच्छा, आपने स्टाफ भी रखा है? हाँ, स्टाफ भी रखा है। कितने स्टाफ रखा है? स्टाफ 5 लड़के रखे हुए हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि काम खराब है? 5 स्टाफ आप ले रहे हैं, कितनी तनख्वाह? जो पहले कमाइयाँ होती थी हमें, वो नहीं हो रही हैं, परेशानी है, विकास कहाँ से विकास हुआ? तो इस बार क्या सोचकर आप वोट देंगे? क्या सोचकर वोट देंगे? वो कांग्रेस को वोट देंगे, जो उन्होंने वादे किए थे वादे पूरे नहीं किए। क्या आप तो बता रहे हैं कि सब कुछ टू एंड टाइट है, क्या कह रहे हैं? नहीं ठीक है, हर व्यक्ति का अपना मताधिकार है, ठीक है, इनकी सोच है, अब एक व्यक्ति से तो कोई वो नहीं बनती है, ठीक है, अब इनकी सोच है, बाकी और पूरा देश है और सब लोग बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं काम हुआ है, जभी तो 400 पार का नारा दिया जा रहा है। ठीक है, आप अपने क्षेत्र की बात बताइए, देश की छोड़िए। आप अपनी क्षेत्र की बताइए। अच्छा, एक अहम सवाल पब्लिक का भी हमसे भी रहता है कि हर साल 5 साल बाद प्रतिनिधि बदल जाते हैं, टिकट किसी और को मिल जाता है, तो जनता के असमंजस में नहीं रहती है? नहीं, टिकट तो हमारे यहाँ अभी तक तो फाइनली नहीं हुआ, टिकट तो हमारे यहाँ पहले ही जनरल वी के सिंह का हुआ था, दूसरी बार भी जनरल वी के सिंह का, और बाकी हमारे यहाँ
टिकट किसका हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं है। हमारे यहाँ तो कमल का फूल वही टिकट है, वही चुनाव चिन्ह है, वही। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं और कुछ एक ऐसे सीनियर सिटीजन को हम देख रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। चाचा कितनी उम्र है आपकी, नाम बताइए पहले अपना। ओम प्रकाश कश्यप। अच्छा कितनी उम्र हो रही है आपकी? 65। अच्छा 65 साल के आप हैं, तो कितना लोकसभा चुनाव आपने देखा? बहुत देख ली। बहुत मतलब कितने लोकसभा चुनाव देखा आपने? अब मैंने गिनती तो करना रखी लेकिन बहुत देख लिए, मतलब फिर भी मतलब 5-7-8। हाँ हाँ। तब में और अब में क्या फर्क आपको देखता है जब आप यंग थे? बदलाव है। अच्छा अब तो बहुत बदलाव है। क्या काम है मोदी ने, मोदी के अलावा किसी ने आज तक फ्री खाने को दिया बांटा, घर मकान बनवाए किसी के? तो आप फ्री को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। यानी गरीबी है तब तो फ्री जा रहा है? हाँ गरीबी नहीं, गरीबी कमाल की बात। एक बात बताओ, राशन फ्री है 5 साल के लिए और कर दिया उसने, लोग बागों के घर मकान बनवाए। 5 साल पहले भी राशन फ्री था, 5 साल और कर दिया। हाँ। तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि 10 साल में गरीबी नहीं हटी, मतलब लोगों के पास काम रोजगार नहीं है? नहीं नहीं, उसने कोई गरीबी हट रही है एकदम, तो मतलब कोई चीज होती नहीं है, लेकिन मोदी ने क्या कमी करी है, सब कुछ करा। अच्छा ये तो आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, आप यहाँ अर्थले में आप मौजूद हैं, ये इलाका जो है गाजियाबाद का क्षेत्र पड़ता है, यहाँ कोई 3 काम आप बताइए जो आपको लगा कि यहाँ हुआ है। 3 काम? 8-9 विधान लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव भी आप देख रहे हैं, सीनियर सिटीजन है। काम ये, एक तो मेट्रो स्टेशन ही बना है अर्थले का, और फिर जो सफाई ही मतलब जो पानी भरता था वो काम हुआ, तो काम तो हुए हैं, काम क्यों नहीं हो रहे? नाला बन रहा है आप भी, काम विकास तो हो रहा है। चलिए कुछ और लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका, आप मेरे पास? हमारा पार्षद बना है, वो काम करा रहा है। आपका क्या नाम है? संत राम पाल। नाम तो बड़ा अच्छा आपका है। चुनावी वादे घोषणा ये तमाम चीज़ें से दूर हट के हम लोग बात करते हैं। संतराम जी आपकी उम्र कितनी हो रही है? 48 साल। और यानी आप 18 साल में आपने वोट करने का अधिकार आपको मिला होगा, तब से 18 साल से 48 साल में क्या आपने देखा, क्या बदलाव महसूस करे और क्या चाहते इस बार अगर नेताजी आपके पास आएंगे तो? क्या जो 2019 का जो बात उन्होंने किया था, फिर वही 2024 में वही चुनावी वादे हैं? कांग्रेस सरकार में और इस सरकार में सबसे पहले तो जो धांधलेबाजी होती थी, अधिकारी नहीं सुनते थे, रिश्वतखोरी होती थी, उस पर बहुत पाबंदी लगी है। जो गवर्नमेंट है, जो प्रशासन है, वो सब सख्त है और ये सब चीज़ से अलग है। अच्छा, तो इस बार क्या सोच कर वोटिंग करें? अब इस बार सोच कर मोदी ने जो काम करे हैं, यानी चेहरा मोदी है, चाहे लोकसभा में किसी को भी टिकट मिले चेहरा मोदी है। चलिए चेहरा मोदी है। कुछ और लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश पाल है। उमेश पाल जी करते क्या हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा, आज जॉब पे नहीं गए? नहीं, आज कुछ काम है, रेस्ट। अच्छा, तो प्राइवेट नौकरी आप कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि देश में बात होती है सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, प्राइवेट नौकरी में रिसेशन चल रहा है, इस बार क्या सोचकर आप वोटिंग करेंगे और देखो, क्या चाहते हैं? वोटिंग की बड़ी बात, वोटिंग तो मोदी को ही जाएगी, पर रही बात मोदी के काम की, काम तो मोदी ने जो किया है वो किसी भी पार्टी ने किया नहीं किया है। और हमारे गांव के पार्षद साहब बगल में बैठे, इन्होंने कोई काम नहीं किया? नहीं, हमारे यहाँ पार्षदी का बस सुन लो, हमारे यहाँ पार्षदी, जब से पार्षदी आई है, जब से एक सपा की पार्षदी रही है, पहली बार बीजेपी की सरकार से पार्षद हमारे यहाँ चुना गया है, जिसमें हमारे पार्षद जी मनोज पाल जी हैं और इनके कार्य बहुत ही बढ़िया है। जो विधायक जी हैं हमारे, उनके भी कार्य बहुत बढ़िया रहे। सुनिए, अगर भाजपा से मनोज पाल नहीं खड़े होते तो नहीं जीते, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इनका अपना 10 साल का मेहनत है, इन्होंने काम किए हैं, उन्होंने पब्लिक को जोड़ा है अपने साथ। पाल साहब, सबसे अहम रोल जो होता है पन्ना अध्यक्ष की जो बात कही गई और लोगों को एक 30-30 लोगों का टारगेट दिया गया है, तो एक सरल भाषा में हमारे News24 के दर्शकों को बताइए कि पन्ना अध्यक्ष होता क्या है और चुनाव के वक्त इन्हें लोग क्यों याद करते हैं और उन पार्षदों को भी याद किया जाता है जो शायद कभी बीजेपी मुख्यालय में उनको बुलावा तो नहीं आता है लेकिन ऐसे वक्त पे बुलावा जरूर होता है? नहीं खैर, ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, वो बिल्कुल जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को, एक बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है उसे साथ लेकर चलती है। देखिए, जब मैं बूथ अध्यक्ष था, ये आपका पिछले साल मैं बूथ अध्यक्ष था, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी आए थे, तो एक बूथ अध्यक्ष
एक निचले स्तर का जो सबसे नीचे का कार्यकर्ता है उसको मंच पर बुला करके उन्होंने सम्मानित करा माननीय जेपी नड्डा जी ने। तो कहीं ना कहीं जो बूथ अध्यक्ष होता है हमारी पार्टी में, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष या फिर बूथ अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष को सबसे पहली प्राथमिकता दी गई है सम्मान की दृष्टि से भी, और कहीं ना कहीं उनको एक सम्मान दिया जाता है। और रही पन्ना प्रमुख की बात, देखिए पन्ना प्रमुख अब जो अदर पार्टी हैं ये तो इनकी तो सोच भी नहीं है कि पन्ना प्रमुख होता है, पता ही नहीं है उनको पन्ना प्रमुख क्या होता है। पन्ना प्रमुख जो वोटर लिस्ट का जो एक पन्ना मतलब जो प्रथम एक पेज होता है जिसमें 30 वोट आगे रहती है 30 वोट पीछे रहती हैं, तो अब पहली बार पिछली बार जो हमारी सरकार ने 2019 में एक पन्ना प्रमुख बनाया था कि एक पन्ने का एक प्रमुख एक व्यक्ति को उसकी टीम लगाई थी, उसमें भी 5 आदमी उसके साथ जोड़े गए थे। तो अब की बार उस उन्होंने और थोड़ा डीपली काम कराया, एक पन्ना के अगले पृष्ठ पे 5 आदमी और अगले पिछले पृष्ठ पे 5 आदमी, मतलब एक पन्ना प्रमुख प्लस उसके साथ 5 आदमी लगाए हैं। उनकी ड्यूटी है जो हमारा ए वोटर है, जो हमारा प्योर वोटर है, उसको एक तरफ निकाल कर रखा गया, जो हमारा बी वोटर मतलब जो थोड़ा सा असमंजस में है उसको अलग सोचा गया है, जो फिर सी वोटर है, जो हमारा वोटर जो हमें वोट ही नहीं दे रहा है, तो हमें बी वोटर को तो मतलब अपने साथ लेना ही लेना, प्लस सी वोटर जो है जो बिल्कुल हमारे साथ नहीं आ रहा उसको हमें चुनाव के वोट डालने से पहले तक हम किसी न किसी रूप में उन्हें मना बना के अपने आप वोट डलाएंगे। ये पन्ना प्रमुख का काम होता है जो 5 टीम लगाई गई है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ ही लेते हैं क्योंकि लोगों के जहन में भी ये सवाल होता है, चुनाव जो इस बार का जो हो रहा है क्या धर्म जाति विशेष से ऊपर हटकर है? क्योंकि हमारे एक वरिष्ठ नागरिक भी बता रहे थे कि गरीबी की बात बता रहे थे, तो इस हमारे दर्शकों को 5 चीज़ें बता दीजिए, उन 5 चीज़ों को लेके आप, क्योंकि चुनाव में वक्त जो होता है एक छोटा दुकानदार से लेके बड़ा दुकानदार हर वर्ग के लोग, तो हमारा सवाल आपसे है कि वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो इस बार के पहली बार जो वोट करने जाएंगे, प्रथम वोटर जिसको कहा जाता है, युवा जिसे कहा जाता है, उस युवा के पास क्या बोल करके आप जाएंगे? देखिए सबसे पहले तो जो युवा वोटर है सबसे पहले देश हित, जो आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय में हमारे देश की जो ख्याति बढ़ी है, वो जो नया वोटर है वो सब देख रहा है। पहले क्या होता था कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे या जो अदर वो भी मतलब जो चाहे विदेश मंत्री हों जाते थे कोई सम्मान नहीं मिलता था, आज दुनिया हमारे देश में आकर हम लोगों को मतलब इतना वो कर रही है कि जितने भी दुनिया के राष्ट्रपति हैं सब हमारे देश में आ रहे हैं, दुनिया देश की बढ़ाई कर रही है हमारे देश, तो देखो अब तो दुनिया के अदर विदेश वाले भी कहने लगे हैं कि अब की बार 400 पार। अच्छा मनोज साहब, आपके पीछे मैं एक मकान देख रहा हूँ, शायद आप देख रहे होंगे, ग्राउंड फ्लोर है उसके बाद 3 मंजिल G+3 वो मकान है, तो पहले तो ग्राउंड फ्लोर बना होगा उसके बाद 3 मंजिल बनी होगी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि पहले 3 मंजिल बना और ग्राउंड फ्लोर नहीं बना? नहीं, ऐसे कैसे है, पहले तो ग्राउंड फ्लोर ही बना, पहले कुछ काम ही नहीं होता था? नहीं ऐसे नहीं है, हमने ये नहीं कहा पहले कुछ काम नहीं होता था, लेकिन लोगों ने जो 10 साल में जो दिखाई दिया है, देखिए कहीं ना कहीं नहीं, वो तो जड़ मजबूत है तभी तो 3 मंजिल नहीं, जड़ देखिए जड़ 70 साल में मजबूत हुई है, पहली मंजिल 70 साल में बनी, तो 3 मंजिल हमने 10 साल में बना दी, फर्क 600 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, सत्ता में आने से यानी जब अंग्रेज गए देश का बंटवारा हुआ, इतना कुछ झेलने के बाद तो समय लगता ही है ना। देखिए सर, ना जब मुगलों के राज में मैं ना था, ना मैं था ना माँ आप थे, ठीक जी, अंग्रेजों के राज में ना मैं था ना माँ आप थे, हमने जो 10 सालों में और पिछले 10 सालों में जो फर्क देखा है, पिछले 10 सालों में और इस 10 सालों में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल, ये तो नेताजी की राय रही है और ये ताल भी ठोक रहे हैं कि इस बार का जो लोकसभा जो चुनाव होगा, चुनाव ही नहीं होगा, जीत भी होगी और केंद्र में एक बार फिर से भाजपा सत्ता में आएगी, लेकिन मिलीजुली प्रक्रिया जो है लोगों की रही है, कुछ लोगों का रोजगार से संबंधित रहा है, कुछ लोग ये चाहते थे कि क्षेत्र में साफ सफाई और बेहतर तरीके से होना चाहिए। गाजियाबाद के अर्थले से कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पवन मिश्रा, न्यूज 24।